राघव आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, जब देखो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वही तो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। नहीं नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। दोस्तों, आज हम आपको कैथल के प्रतिष्ठित न्यूटन पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में लेकर चलेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। न्यूटन स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। वार्षिक उत्सव के मौके पर न्यूटन पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। उत्सव के मुख्य अतिथि कैथल के विधायक लीला राम गुज्जर थे। लीला राम गुज्जर ने स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों में पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह बच्चे आगे जाकर देश और प्रदेश में अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। सभी बच्चों को भी बधाई देना चाहूँगा। जब हम पढ़ते थे इस प्रकार के मंच, यही इस प्रकार की प्रतिभा का हमें तो कभी दर्शन भी नहीं होते थे। ये बच्चे भाग्यशाली है जो इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और माता पिता चाहे कुछ भी करें उनका खर्चा उठाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का काम करते हैं। तो इससे हिंदुस्तान की प्रतिभा आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में चमक भी रही है और उसका नतीजा आज पूरे विश्व में हमें टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से देखने को, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। लीला राम गुज्जर ने न्यूटन पब्लिक स्कूल के संचालक प्रवीण प्रजापति और समूह कैथल की जनता का चुनाव अभियान के दौरान सहयोग के लिए आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आदरणीय प्रवीण जी प्रजापति का, उनके शिक्षक स्टाफ का और इस सभा में आए अभिभावक गण का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और राम सिंह जी, मैं लगे लगाए ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले जब चुनाव हुआ था, इन सभी मेरी बहनों ने, माताओं ने, नौजवान साथियों ने, भाई प्रवीण जी तो उसमें अग्रणी मोर्चा पर लड़ने वाले थे, सभी ने मेरे जैसे छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को जो मान सम्मान दिया अपने सहयोग से, समर्थन से, और यहाँ तक कहूँगा कि अपनी जेब से खर्चा करके मेरे जैसे कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम किया, भाई महिपाल जी आपकी समस्त टीम का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हमारी संवाददाता रेनू धीमान ने लीला राम गुज्जर से कैथल की समस्याओं के बारे में भी बात की। भी हमारे साथ यहाँ के विनोद सोनी जी एमसी भी हैं। मेरे को मेरे संज्ञान में नहीं था, परंतु अभी मैं भाई को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर यहाँ पर कोई ज़मीन उपलब्ध होगी तो हम बहुत जल्दी एक्शन साहब को, एससी साहब को कह करके यहाँ इस समस्या का समाधान करेंगे, यहाँ ट्यूबवेल लगवा देंगे, ट्यूबवेल लगवाने का काम करेंगे। और अभी कल ही आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि 60-70 लाख की लागत से यहाँ जल्दी नहरी पानी के लिए बूस्टिंग, नहरी पानी के लिए बूस्टिंग बन करके तैयार हो जाएगा। उसमें टाइम से थोड़ा लगेगा, महीना डेढ़ महीना लग जाएगा, परंतु ग्रीष्म गर्मी की ऋतु से पहले यहाँ पर नहरी पानी पिलाने का भी लोगों को हम काम करेंगे। उसके लिए हमने एसपी साहब से मीटिंग करी थी, इंस्पेक्टर हैं जो कैथल शहर के, सभी से उनसे बात करके, और कल ही इस बात पर ये कहा था कि भाई इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए आने वाले टाइम में, तो इस पर सख्ती से निपटे और इस प्रकार की घटनाएँ बर्दाश्त भी नहीं होगी शहर के लिए। पिछले दिनों जब ये सेशन था, मैं और यहाँ से हमारी विधायिका मंत्री हैं बहन कमलेश डांडा जी, दोनों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आधे घंटे के लगभग बैठ करके बात की और उस पर हमने कैथल में बैंक स्क्वेयर, सिटी स्क्वेयर, मल्टीपल पार्किंग, लाइटिंग शहर की और पीने के पानी की, सीवरेज की, उस पर विस्तार से चर्चा की और मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त भी किया कि आपके पास पहले ग्रांट दी हुई है कैथल के अंदर 100 करोड़ के लगभग पहले ही आई हुई है और भी जितना पैसे की ज़रूरत होगी जो कहेंगे वो पैसा आपको मिलेगा। हम जल्दी ही 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको
इस शहर में कई योजनाओं पर काम शुरू होता हुआ दिखेगा। थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।